कोई सो रहा था, कोई जाग रहा था, कोई ऑफिस में काम कर रहा था, तो कोई चिलचिलाती धूप में मजदूरी कर रहा था, तो कोई खेत में खून पसीना बहा रहा था। तभी अचानक से धरती में कुछ हलचल हुई, सब कुछ हिल गया और दहशत से लोग कांप उठे। जो जहां था वहां से निकलकर बाहर आ गया। अफरा तफरी जैसा माहौल था, दिल थम सा गया, जिसकी वजह थी भूकंप के वो जोरदार झटके जिसने नेपाल से लेकर भारत तक की धरती को हिला कर रख दिया। इसका अंदाजा आप भूकंप की तीव्रता से लगा सकते हैं, क्योंकि भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है। नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर के मुताबिक भूकंप के झटके दो बार आए। पहला झटका दोपहर 2:25 पर आया, जिसकी तीव्रता 4.46 थी। इसके करीब आधे घंटे बाद दोपहर 2:51 पर भूकंप का एक और झटका आया, जिसकी तीव्रता 6.2 रही। भूकंप के इस झटके ने ही लोगों को अपने घरों से बाहर भागने के लिए मजबूर कर दिया। भूकंप के कारण दिल्ली एनसीआर से लेकर राजधानी लखनऊ तक धरती कांप गई। पश्चिमी यूपी के कई जिलों से लेकर उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप का केंद्र नेपाल में था, इसकी गहराई पृथ्वी के तल से 5 किलोमीटर नीचे रही। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि दफ्तरों में पंखे और लाइट जैसी चीजें हिलती नजर आईं। नोएडा में तो भूकंप के झटके लगातार 10 से 15 सेकंड तक महसूस होते रहे। वहीं जिस वक्त गाजियाबाद में भूकंप के झटके आए, उस वक्त वहां कैसा माहौल था, आप खुद स्थानीय लोगों की जुबानी वो दहशत भरा मंजर सुनिए। भैया मैं अभी कुर्सी पर बैठा था, तो कुर्सी हिल रही थी और मेरे सामने बाइक खड़ी थी, तो बाइक भी हिल रही थी और कुर्सी भी हिल रही थी। अभी 15-30 सेकंड का भूकंप था और उसके बाद एकदम थोड़ी देर बाद फिर चले गया। इतने महसूस कर पाया, हिला थोड़ा बहुत कुछ, एकदम भूकंप एंड हो गया। भूकंप अचानक से, हमें तो उसमें से कुछ गिरने की आवाजें आ रही थी। हमारे पीछे शाफ्ट भी है एक्चुअली घर के उसमें ही वॉल में, तो वहां से गिरने की कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे सीमेंट कंक्रीट गिर रहा है। और उसके बाद हमें बिल्डिंग के भी हिलने का वो हुआ, तो तब हम तुरंत फिर घर से बाहर निकले। कौन से फ्लोर पर भूकंप आया? हम 5th फ्लोर पर हैं, तो उसी वक्त भूकंप हमें महसूस किया। फिर उतनी देर में मेरे हस्बैंड का कॉल भी आ गया था कि जल्दी से बाहर जाओ, भूकंप आ रहा है। हम लोग सोफे बैठे थे, मेरे और मेरे हस्बैंड, थोड़ी देर के लिए हल्का सा झटका सा लगा था, जैसे एकदम हिल गया हमारा सोफा, अब पंखे भी थोड़े थोड़े हिलने लग गए थे। फिर हम नीचे आए, अपनी स्टेयर से आए, लिफ्ट से नहीं आया। फिलहाल अच्छी बात यह है कि अभी तक इस भूकंप से देश में जान माल के नुकसान की कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इस भूकंप ने एक बार फिर लोगों को बुरी तरह डरा दिया है। लोग ऊपर वाले से अपनी और अपने परिवार की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।